आज के वीडियो में हम ये बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर आप इस नेक डिज़ाइन को अच्छे से बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपनी कुर्ती की ये शेप की कटिंग कर दी है, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की करते हैं। बस हमारा बॉट नेक है इसलिए हम तीरा थोड़ा वाइड लेंगे, बाकी सब सेम है। और इसके बाद हम अपना नेक बनाने के लिए इस टाइप के बुकरम्स लेंगे। एक तो हमने ये अपनी हार्ड वाली चिपकने वाली बुकरम लिया और एक पेस्टिंग बुकरम लिया है। आइए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी पेस्टिंग बुकरम पर मार्किंग करेंगे। पेस्टिंग बुकरम पर हमारी जो ऊपर वाली स्ट्रिप है वो आएगी। जो हमारा बोट नेक होता है वो यूजली 4 इंचज़ 4.25 3 इंचज़ वाइड होता है, बाकी सभी का अलग अलग होता है। तो हम उसे 0.25 कम पे मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे अपना बोट नेक 4 इंचज़ वाइड ले रही हूँ क्योंकि ये हमारी पेस्टिंग बुकरम है, तो इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये थोड़ा और वाइड हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक की डेप्थ लेंगे। मैं यहाँ पे 3.5 इंचज़ डेप्थ ले रही हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे बोट नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हम इसे इतनी ज़्यादा वाइड शेप नहीं देंगे, इसे हम जस्ट थोड़ी सी ही वाइड शेप देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 इंचज़ की मुझे स्ट्रिप रेडी करनी है, तो मैं करीब 1.5 इंचज़ की वाइड स्ट्रिप काट रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंचज़ पर भी सिमिलर मार्क कर दूँगी सर्कल में। अब हम इस बॉट नेक पर इसके मार्क्स कंप्लीट करने के बाद कट कर देंगे। हमारी ये बोट नेक की स्ट्रिप कट हो गई है। इसके बाद हम अपने दूसरी वाली बुकरम लेंगे, मोटे वाली, और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। और उसके बाद हम इस नेक को भी सेम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और इसे इस तरीके से सेट कर देंगे अच्छे से। हमने अपने पेस्टिंग वाले नेक को इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रख लिया और साथ ही साथ हमने इसको यहाँ से 1/2 इंचज़ दूर रखा है क्योंकि ये गले में हमारी स्ट्रिप ओवरलैप होगी इसलिए। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले इसकी ऐसी शेप ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट हम इसकी नॉर्मल शेप ड्रॉ करेंगे, हम अपनी मेन मार्किंग्स इसके बाद करेंगे। नेक की जो डेप्थ है वो 6.5 इंचज़ है, हम यहाँ से 6.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे और यहाँ से करीब 1/4 इंचज़ पर मार्क करेंगे। हमारे ये नेक जो यहाँ से 1/4 इंचज़ पर रहेगा, तो हम यहाँ से 1/4 इंचज़ पर लेके यहाँ पे एक वी शेप दे देंगे। हमें हल्की वी शेप देनी है, ना ही कंप्लीट वी शेप देनी है, ना ही बॉट नेक की शेप देनी है। और इसके बाद हम इस पे यहाँ से 1/2 इंचज़ पर एक और मार्क लगा लेंगे जो ये हमारी कटिंग का मार्क है। इसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रिप लेनी है। हम यहाँ पे स्ट्रिप इस तरीके से सीधा मार्क करेंगे। जो हमारी स्ट्रिप होएगी वो 1 इंचज़ वाइड होएगी, तो हम यहाँ पे 1 इंचज़ पर मार्क करेंगे। और इसके बाद इस नेक पे हमारी ये स्ट्रिप कोलाइड होएगी, तो हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे मार्क करेंगे। करीब हमें ये 1 इंचज़ वाइड स्ट्रिप लिया। अब हम इस नेक को कट करेंगे इस शेप में, हम ये वाली लाइन कट नहीं करेंगे। हमने ये पूरा नेक कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंचज़ पर मार्क करेंगे। जो हमने यहाँ पे 1/2 इंचज़ एक्स्ट्रा वाइड लिया था, हम ये 1/2 इंचज़ की स्ट्रिप भी साथ साथ कट कर देंगे। ये हमारे दोनों नेक कट हो गए हैं, ये वाला भी और साथ साथ ये वाला भी। पर मैं आपको इसकी शेप लगा के दिखाती हूँ। ये जो नेक है, जब हमारे रेडी हो जाएंगे ये दोनों आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे और ये जो है इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे। और उसके बाद ये हमारा नेक जो है ये इसके बीच में से कुछ इस तरीके से आएगा। जब हम इस नेक को पूरा बना लेंगे तब इस नेक की अच्छे से लुक आ पाएगी। उस नेक बनाने के लिए अब हम सबसे पहले इन दोनों नेक को एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है। हमने अपने दोनों नेक चिपका के कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले इस स्ट्रिप को रेडी करेंगे, फिर हम इन दोनों को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसी के साइज़ का एक और कपड़ा लेंगे और उसे इसके ऊपर रख के इसे टर्न करेंगे। अब हमने ऐसा सेम कपड़ा कट कर लिया है, इसके ऊपर हम इस कपड़े को इस तरीके से ओवरलैप करके रखेंगे अच्छे से और फिर इसके दोनों साइड 1/4 इंचज़ पर स्टिच लगा देंगे। आइए लगा।
ये स्टिच दोनों साइड लगने के बाद हम इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। इस स्ट्रिप के एक साइड सिलाई लगा देंगे और फिर इसे टर्न करेंगे। हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। एक सिलाई लेंगे या फिर कुछ भी नुकीली चीज़ लेंगे थोड़ी, और इसे इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करेंगे इसके साथ, और इसे टर्न ओवर कर देंगे जैसे हम डॉरी टर्न करते हैं। और इसे अब अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसके दोनों तरफ हम दाब की सिलाई लगा देंगे। अपने इन दोनों पीस को लेंगे और इसके यहाँ यहाँ से हम कपड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा जो है हमारे यूज़लेस है। हम इसे ज़्यादा आगे तक कट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही कट कर लेंगे कि हमारी ये दोनों लेयर जो है थोड़ी आपस में मैच हो जाए। ये दो पीस आपस में ऐसे मैच हो रहे हैं, इसके बाद हम इसकी साइड से लेट कर देंगे। दोनों पीस को हम एक साथ रख के थोड़ा लेट करेंगे ताकि हमारा सेंटर बनाना ईजी हो जाए गले का। आइए ये लेट करते हैं। साइड से लेट कर दिया। साइड से लेट करने के बाद हम इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। तो सेंटर पे निशान लगाने के लिए हमारे ये दोनों नेक हमने आगे पीछे रख लिए हैं। इसके बाद हम इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि हमारी ये जो स्ट्रिप है ये हाफ इधर आनी चाहिए और हाफ इधर, और उसके बाद हम इसी तरीके से पूरे को फोल्ड कर देंगे। और पूरे को फोल्ड करने के बाद हम इसमें इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर साइड में कट के निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर ये हमारा सेंटर का निशान आ गया। ऐसे हम पिछली साइड भी दे देंगे। दोनों पीस पे सेंटर का मार्क कुछ इस तरीके से आ गया, और सिमिलर हमने अपनी कुर्ती के पीस पर भी ऐसे ही सेंटर पे मार्क और कट लगा दिया है। अब हम अपना नेक बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाने के लिए हम इसका एक पीस थोड़ा साइड कर देंगे और दूसरे पीस का इस तरीके से सेंटर मैच करेंगे अच्छे से, और सिमिलर हम नीचे से भी कर लेंगे इसका सेंटर मैच। और कंप्लीट सेंटर मैच करने के बाद हम इसके साइड से यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हाफ पीस पर स्टिच लगाने के बाद हम इसका थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के कट कर लेंगे, करीब क्वार्टर इंचेस का। हमें जस्ट साइड साइड से कट करना है, पूरा पीस कट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा आधा नेक बनना बाकी है। जस्ट हमने यहाँ तक कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स के मार्क लगा देंगे ताकि ये टर्न हो सके। नेक करने के बाद हम इसकी दूसरी साइड लेंगे और दूसरी साइड में अच्छे से सेंटर मैच करेंगे जैसे हमने पहले वाले पीस में किया था। बिकॉज अब हमने ये नेक अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी राइट साइड आएंगे। राइट साइड से यहाँ से स्टिच लगानी स्टार्ट करेंगे। हम ये
स्टिच अभी सिर्फ यहीं तक लगाएंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा सेंटर अब लॉक हो गया, अब हमारा सेंटर सही रहे। सिलाई उतारने के बाद हम इसकी बैक साइड आएंगे और बैक साइड आके देखेंगे तो हमारी यहाँ पे बुकरम का इतना पीस इधर नीचे वाले पीस में नहीं है, तो हम यहाँ से एक बार इस पीस को कट करेंगे जो हमारे एक्स्ट्रा पीस है। और यहाँ पर जितना हमारा ये बुकरम का पीस कम है उतना हम यहाँ पर जोड़ लगा देंगे इस कपड़े से। मैं इसे इस तरीके से रख रही हूँ ताकि ये अंदर की तरफ आ जाए। सॉरी, हम इसे अंदर की तरफ से रखेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे कपड़े को और इसे अच्छे से सेट करके लगाएंगे और फिर हम अपने पीस को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसे नेक को अच्छे से मैनेज करेंगे सेट कर। हम इस नॉक से ये नॉक मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारे पीस जॉइन नहीं आपस में, तो हमें इसे कुछ हद तक ज्वाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे कहीं सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे नीचे का कपड़ा सेट करके यहाँ तक ये सिलाई ख़त्म करेंगे। सिलाई भी लगाने के बाद हम इसका भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और साथ ही साथ छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे जैसे हमने दूसरी साइड किए थे। स्टेप करने के बाद हम इस गले को टर्न कर देंगे जैसे हम गले को टर्न करते हैं वैसे ही। टर्न करने के बाद कुछ इस तरीके से आया। अब हम इस पे सभी जगह दाब की सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगने के बाद हम इसे इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करेंगे। एक बार आप दोबारा देखिए, ये जो हमारी ऐसे आएगी जो ये लूप्स हैं, तो हमें इसे अंदर की तरफ लेना है, तो हम इसे उल्टा टर्न करेंगे। उल्टा टर्न करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई को हमें अच्छे से पक्का करना होगा। इसके बाद हम इस थ्रेड को कट करेंगे और अब हम इसे वापस से सीधा टर्न करते हैं। सीधा टर्न करने के बाद हमारे ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद हम अपने इसके बीच की स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप हम इसके बीच में से इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके ऊपर से निकालने के बाद हम इसे इस तरीके से ऊपर से सेट कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसका सेंटर लाना है स्ट्रिप का इस तरीके से। और अब हम यहाँ से ये सेट करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करना है। ये जब हमारा पीछे वाला पीस ज्वाइन होएगा इधर, तो ये अपने आप अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा। हम जस्ट यहाँ पे कुछ सिलाइयाँ लगा के इन्हें जस्ट कच्चा ज्वाइन करेंगे। हमारा ये नेक कंप्लीट बन के रेडी हो गया और बहुत ही सुंदर नेक बना है हमारा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके साथ ही साथ आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं आप मेरी अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो भी कहें मैं वो डिमांड आपकी पूरी कर सकूँ और नेक्स्ट वीडियो में वही लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।